बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज आज फाइनली 2 साल कोरोना ब्रेक के बाद हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, वैसे तो 8 महीने पहले ही, और इस बार रावण का दहन होने वाला है। और बहुत ही शानदार लेवल पर जो दशहरा मैदान हर बार सज जाया करता था मेले से, वो इस साल फिर से सजने वाला है। और तैयारियां जैसे कि आप देख सकते हो शुरू हो चुकी हैं। अभी मेरे जो आप पीछे देख सकते हो, ये है रावण का पुतला, ये यही वो रावण है जो जलने वाला है। और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर ले जाकर के पूरा रावण और कैसे क्या तैयारियां चल रही है। हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि इस बार रावण में क्या क्या खास विशेष होने वाला है पर्सनली। और जो हमारे कोटा वासी हैं वो बहुत इंतजार कर रहे थे इस मोमेंट का कि कब हमें वापस रावण दहन देखने को मिले, वापस मेला देखने को मिले। और बहुत लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं, आ जाइए मेरे साथ। सो गाइज, अभी हमारे साथ दो बच्चे खड़े हैं और हमें यहाँ पे मिले, तो हमने पूछा गया तुमसे इंटरव्यू लेते हैं, तो आज इनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है इस बार रावण दहन होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल की तरह इस बार भी रावण फटेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आपने इसके पहले अपने कोटा का रावण दहन देखा है? हाँ, 2019 में देखा था, अब बाकी 2 साल से तो कोविड चल रहा था इसलिए लगा नहीं। तो क्या हम लोगों ने ये चीज मिस की थी 2 साल से? हाँ, बहुत चीजें मिस करी, यहाँ पे कितने रावण जलते थे, कितने लोग आते थे, कितनी भीड़ पड़ती थी, कितने मजे करते थे, वो चीज हम सबने 2 साल में मिस कर दी। ओके, तो आप इस बार जो मेला आने वाला है क्या खरीदने वाले हो और क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे मेले के अंदर? झूले, झूले वही, और खरीदने तो वही आइसक्रीम नॉर्मली जो थिंग्स खरीदते हैं हम वही खरीद सकेंगे। थैंक यू सो मच। बच्चों आपका नाम बता दो एक बार। लक्ष्य युवराज। थैंक यू लक्ष्य युवराज। गाइस जैसा आप देख सकते हो तैयारियां जो है वो बहुत जोरदार चल रही हैं और बहुत जोर शोर से चल रही हैं, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो अभी ये है मेघनाथ, ये इस बार 50 फीट का बनने वाला है। आप इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो, ये है रावण जो पूरा 75 फीट का बनने वाला है। अब मैं आपको लेके चलूंगा पीछे की साइड पर जहां पर है कुंभकर्ण, तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो बनते हुए, ये है पूरा मेघनाथ का, आपका शरीर वाला जो पार्ट है वो यही है। नेक्स्ट हमारे जो पीछे हैं ये है कुंभकर्ण, ये है हमारे कुंभकर्ण इधर लेफ्ट में। अभी हमारे साथ यहाँ पे भैया जुड़े हुए हैं और ये कुछ काट रहे थे, उनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं अंकल आप क्या कर रहे हैं? भैया हम रावण की डेकोरेशन का जो सामान है वो काट रहे हैं और इस पर गोल्डन ब्लू और ये अपना व्हाइट पट्टी डल के इसका जो लुक आएगा। एक इस बार मैंने सुना कि 3D पेपर का यूज हो रहा है, 3D रेडिएंट पेपर का, उसके बारे में क्या कहना आपका? ये सब जो आप देखोगे अलग चमक दिखाई देगी, 3D की तरह ही लगेगा सब, 3D है। तो इस बार रावण में कोई खूब कुछ अलग सी कोई बात है रावण में? इस बार रावण में तो यही है, इसका आंखें मूवमेंट करेंगी और इसके लिप्स मूवमेंट करेंगे, गर्दन घूमेगी, हैंड्स इसका अप डाउन होगा। जी आप कितने दिन से कर रहे हैं रावण बनाने की प्रक्रिया? हम चौथी पीढ़ी में हूँ जी मैं। अच्छा, आप चौथी पीढ़ी से? दादा पापा चाचा सब करते हैं, चौथी पीढ़ी में हूँ। तो मतलब आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा पुराना जो इतिहास रहा है वो रावण बनाने में कोटा में आप बना रहे हैं, तो मेरे मैं दिल्ली में हमने रावण बनाए हैं। हाँ, अभी हमें 2 बार मौका मिला है, इस बार देखो कैसा जाता, पब्लिक जैसा चाहेगी। हाँ बस ये हमको प्यार चाहिए पब्लिक का, अच्छा लगेगा तो अच्छा बताएं और गलत होगा तो गलत बताएं। हाँ, और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कोटावासी आपको पूरा प्यार देंगे। और तो आपको अभी कितने दिन हो गए इस पूरे राउंड पे काम करते हुए? हमें 1 महीना हो गया लगे हुए, 1 महीने से कर रहे हैं और मेजोरिटी काम हो चुका है। हाँ, लगभग फाइनली की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। जी तो गाइज, मेरा ये पर्सनली पहला एक्सपीरियंस है जब मैं ऐसे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों के साथ खड़ा हूँ, तो आज मुझे देख के बड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार मैं कितना छोटा सा हूँ, और हमें जैसे दूर से दिखता है बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, बट रियलिटी में मेरी हाइट आप देख लो, मैं इतना हूँ लगभग 5.5 और ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। ये हमारे पास मेघनाथ का पूरा चेहरा है, मेघनाथ का फेस है, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा आपको, ये है कुंभकर्ण का फेस जो अभी अंकल बना रहे हैं और इसमें अभी स्केचिंग का काम चल रहा है, दांत जो है कलर किए जा रहे हैं और फिनिशिंग दी जा रही है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे काम चल रहा है रावण बनाने का। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो आप देख सकते हो, ये है रावण का मुकुट। तो अगर मैं बात करूं रावण का जो मुकुट है वो भी लगभग मेरी हाइट पे जा रहा है, तो इतना बड़ा विशाल रावण बनने वाला है इस बार, 75 फीट का पूरा बनने वाला है। अब हम आते हैं थोड़ा इस साइड और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि रावण का जो चेहरा है, रावण का जो चेहरा है वो कितना बड़ा होने वाला है। सो गाइस, दिस इज द फेस ऑफ रावण और ये इतना बड़ा फेस होने वाला है इस बार रावण का। और ये जो आप छोटे छोटे देख सकते हो, जब मैंने एंट्री ली थी इस ग्राउंड में तब मैंने सोचा था ये छोटे छोटे शायद मेघनाथ और कुंभकर्ण होंगे, नहीं गाइज, ये वो चीज है। जब हमें पता है रावण के 10 चेहरे होते हैं, 10 चेहरे में से जो 9 चेहरे होते हैं वो ये वाले हैं, तो जो इतने चेहरे भी लगभग मेरे बराबर जा रहे हैं। और ये बड़ा सा जो आप फेस देख सकते हो ये रावण का, एंड इधर आइए थोड़ा सा, इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रावण का जो पूरा शरीर होता है, वो पूरा धड़ होता है, ये वो वाली सारे पार्ट्स है। सो दिस वॉज फॉर ऑल, इधर का मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा इधर दिखा दे आप,
तो गाइस मैं आपको दिखाऊं, ये है रावण के आई गेस ये तो जूते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पैर, तो लिटरली जो मैं ऐसे बैठ के दिखाता हूँ आपको, जिसकी जूतियों से भी छोटा जा रहा हूँ बैठने के बाद। तो और अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं मेरी हाइट, और ये देख सकते हो आप कितना बड़ा जा रहा है। तो हम लोग जैसा देखते ना यार कि हमें दूर से छोटा लगता है रावण, बट नहीं, रियलिटी में बहुत बड़े होते। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का शेयर करना, अपने कोटावासी दोस्तों का जरूर शेयर करना। जो लोग चाहते हैं यार इस बार का रावण दशहरा देखना और पहले ही रावण देखना चाहते हैं, उनको हमने रावण दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये पीछे देख सकते हो यार, ये मुझे जब मैं आया तो मुझे एक वर्कशॉप टाइप से लग रहा था कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में जाते हैं, वहां पर इस टाइप से कुछ होता है गोडाउन टाइप। तो ऐसे पूरा बना हुआ है ये, एंड या तीन चार दिन में फाइनलाइज होकर के खड़ा भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको ये रावण देखना है इस बार। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मिलते हैं नई बहुत नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।